मैं प्रिया आपके साथ। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में क्रिकेट खेलने के दौरान दो नाबालिग लड़कों में विवाद हो गया। 13 साल के लड़के ने 12 साल के लड़के के सिर पर बैट से हमला कर दिया, जिससे उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। घटना 3 जून की है। पुलिस ने बताया कि पहले तो विक्टिम के रिश्तेदारों ने बिना शिकायत दर्ज कराए उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन बाद में विक्टिम की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच के लिए शव को कब्र से बाहर निकाला गया। पुलिस ने बताया कि 3 जून को घटना के दिन बगड़कित के इलाके में कुछ लड़के एक मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। विक्टिम भी वहां पर खेलने गया था। मैच के दौरान विक्टिम का अन्य लड़कों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उन लड़कों में से एक ने विक्टिम के सिर पर बैट मार दिया, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद विक्टिम को डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। 2 दिन इलाज चलने के बाद 5 जून को उसने दम तोड़ दिया। उसी दिन उसके रिश्तेदारों ने बिना पुलिस में शिकायत दर्ज कराए उसकी बॉडी को दफना दिया, लेकिन विक्टिम की मां नहीं मानी। उन्होंने अगले दिन यानी 6 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 7 जून यानी बुधवार को विक्टिम की बॉडी को कब्र से बाहर निकाला। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।